सो वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं पिछले लेक्चर से, कंटिन्यू करते हैं आगे। हम लोग लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने गॉस थ्योरम, गॉसियन सरफेस और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए हमने वायर के थ्रू पढ़ा था और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेन शीट पढ़ा था, है ना। तो उन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है ये हमने वहाँ पर फाइंड किया था। आज का जो टॉपिक है वह है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फीयर लेना है। क्या लेना है? स्फीयर, सर्किल नहीं बल्कि क्या लेना है? स्फीयर। अब स्फीयर में भी तीन केसेस होते हैं। कितने? तीन केसेस। पहला केस मैंने लिया हुआ है यहाँ पर, व्हेन पॉइंट पी लाइज आउटसाइड ऑफ द स्फेरिकल शेल। तो समझिए केस क्या है। पहले केस ये है कि ये एक फुटबॉल है, स्फीयर है, इसका रेडियस मैंने लिया हुआ है आर और इसके ऊपर चार्ज है, क्यू चार्ज है इस स्फीयर के ऊपर, सेंटर पे नहीं बल्कि कहाँ है? स्फीयर के ऊपर। अब मुझे पता करना है कि कोई पॉइंट पी है, मान लीजिए कोई पॉइंट पी है, ये हो गया पॉइंट पी। इस पॉइंट पर इस स्फेरिकल शेल की वजह से यानी स्फीयर की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसको फाइंड करने के लिए मैं गॉस थ्योरम यूज़ करूँगा। गॉस थ्योरम यूज़ कर कैसे किया जाता है? आप क्या करिए, कोई गॉसियन सरफेस बना लीजिए अपने मन से जो आपको आसान लगे और वहाँ पर क्या करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करिए। तो चलो हम क्या करते हैं, एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं और वो मैं बनाऊँगा यहाँ पर स्फीयर ही। पिछले बार मैंने बनाया था सिलेंड्रिकल लिया था, यहाँ पर क्या ले लूँगा मैं? स्फीयर। तो यहाँ पर मैंने इस रेड लाइन से, डॉटेड लाइन से यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस बना लिया। तो ये हो गया गॉसियन सरफेस और ये है स्फीयर। और इस गॉसियन सरफेस की सेंटर से जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है, ये सेंटर ओ है, क्लियर। अब एक बात समझिए, यहाँ पर इस स्फीयर पर क्या है? चार्ज है। कौन से चार्ज हैं? प्लस चार्ज, पूरा चार्ज है। तो होगा क्या, देखिए होगा क्या, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली चारों तरफ होगा, यानी इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई, ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई, इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई और नीचे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई। अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखूँ पॉइंट पी पर, फ्लक्स एट पॉइंट पी, तो फाई ई कितना होता है? ई एस कॉस थीटा, सिंपल। अगर वेक्टर में लिखूंगा तो ई डॉट एस लिखता हूं मैं। अब देखिए यहां पर फाई ई की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए ई तो है इलेक्ट्रिक फील्ड, एस यानी कि इस सरफेस का, इस सरफेस का बड़े वाले का, देखिएगा इसका रेडियस कितना है स्मॉल आर, जो हमने गॉसियन सरफेस लिया है उसका एरिया, स्फीयर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 4πr². तो ये हो गया 4πr² कॉस थीटा कितना होगा, थीटा कितना होगा, थीटा किसके बीच का एंगल होता है, किसके बीच, बोलिए गलत सही बोलिए, कौन सा नॉर्मल, किसका नॉर्मल, एरिया का नॉर्मल, किसका नॉर्मल, एरिया का नॉर्मल और ई के बीच का एंगल। मैंने पिछली बार भी समझाया था, फिर समझा रहा हूँ, ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये अगर एरिया है तो इसका एंगल 90 डिग्री नहीं है बल्कि इस एरिया का नॉर्मल होगा ये और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ये, दोनों के बीच का एंगल ज़ीरो। उसी तरीके से अगर स्फीयर है तो स्फीयर पर अगर उसका नॉर्मल खड़ा करो तो सीधा जाएगा, उसका एरिया का नॉर्मल हो गया और ई भी नॉर्मल उसी तरफ डायरेक्शन में है, तो एंगल क्या यहाँ पर ज़ीरो नहीं होगा? आप देखिए एरिया का नॉर्मल क्या होगा, यही तो एस होगा, यानी यहाँ पर फाई ई ये आ गया ई 4πr², ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहाँ पर एक चीज़ और, मैंने आपको बताया था कि जब हम ये यूज़ करते हैं फ्लक्स तो गॉस वाला फार्मूला भी यूज़ कर लेते हैं। गॉस ने क्या कहा भाई कि इसी फ्लक्स को लिए लिखिए, यूजिंग गॉस थ्योरम, क्या कहा उन्होंने, जो फाई ई होगा
वो होगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। ये तो कहा उसने गॉस थ्योरम ने। अब दोनों क्या करो, इक्वल कर दो, तो यहाँ होगा ई 4πr² इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से ई की वैल्यू 1 अपॉन 4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। फार्मूला कुछ देखा देखा नहीं लग रहा? एक बात बताओ, अगर कोई चार्ज q है, इसकी वजह से कोई पॉइंट p है, इसकी डिस्टेंस अगर r है, तो ये e का फार्मूला है, फोर्स का फार्मूला q1 q2 होता है, तो e इसकी वजह से e जो होगा वो वही तो होगा 1 अपॉन 4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सेम फार्मूला देखो, जबकि ये फार्मूला पॉइंट चार्ज की वजह से है और ये फार्मूला किसकी वजह से है, स्फेयर की वजह से है, स्फेयर की वजह से। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई स्फेरिकल शेल है फुटबॉल और उस पर कोई चार्ज है और आप उसके बाहर, इससे बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं, तो उसका वही फार्मूला होगा कि आप इसको इसको एक पॉइंट चार्ज मान लीजिए, सिंपल। इस स्फेयर को क्या कहो, पॉइंट कह दो। देखो पॉइंट मानने पर भी वही फार्मूला आ रहा, क्लियर बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको लैंग्वेज के फॉर्म में लिख देंगे भी। ये लिख देंगे हैंस फॉर पॉइंट पॉइंट आउटसाइड द सेल द फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज शेल इज एज इफ द इंटायर चार्ज ऑफ द शेल इज कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। मतलब कि ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे शेल पर, आप इसको एक कॉन्सेंट्रेटेड चार्ज मान करके फॉर्मूला लिख दीजिए, सेम वही बात है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको आप लोग जल्दी से, इसके बाद केस सेकंड पे चलते हैं। तो सेकंड केस सामने है, वह है व्हेन पॉइंट पी लाइज ऑन द स्फेरिकल शेल। तो वही अपना एक स्फेरिकल शेल बना लेते हैं, ध्यान दीजिए सब लोग, ये स्फेरिकल शेल है, ये सेंटर इसका, इसका रेडियस है कैपिटल आर। जाहिर सी बात है इस स्फेरिकल शेल पर चार्ज है ना, और इस पर कह रहा है कि पॉइंट पी यानी ई कहाँ फाइंड करना है, कह रहा है इसी शेल पे हो, यानी जो पॉइंट पी मैं लूँगा वो इसी शेल पे ही ले लिया मैंने, ये रहा पॉइंट पी। अब मैंने कहा था ना, मैं जहाँ पॉइंट पी है वही गॉसियन सरफेस मानिए, तो इसका मतलब जो शेल का सरफेस है वही गॉसियन सरफेस है, वही मान लेंगे, यानी यही हो गया हमारा गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस हो गया, वो भी क्या है, स्फीयर ही है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे ही ई इधर होगा, ऊपर होगा, और इधर भी यूनिफॉर्मली होगा और नीचे भी होगा। हम अगर फ्लक्स की बात करें, फ्लक्स तो फ्लक्स अपना वही पुराने तरीके से कैसे फाइंड करते हैं, फाई ई क्या होता है भाई, ई एस कॉस थीटा। अब देखो ई की वैल्यू ई एस, एस लेंगे एरिया, क्या होगा एरिया भाई, 4π। अब बताओ कैपिटल आर या स्मॉल आर, कैपिटल आर, क्योंकि ये अगर आर है तो गॉसियन वाला भी आर ही डिस्टेंस पे है, अब की बार बाहर नहीं है, पिछले बार दूर था, यहाँ था, तो स्मॉल आर लिया था दूर वाला, तो यहाँ क्या होगा 4πr² और कॉस थीटा वही 0 होगा, तो ये हो गया फाई ई।
ठीक है। दूसरा तरीका क्या था भाई? दूसरा था मेथड फ्लक्स फाइंड करने का, गॉस मेथड। क्या होगा? यूजिंग गॉस थ्योरम। बात समझ में आ रही सबको ना, हम क्या कर रहे हैं? पेन चाहिए? बात समझ आ रही? देखो, एक तो फ्लक्स फाइंड कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूले से, ई एस कॉस थीटा से, और दूसरी बार फ्लक्स फाइंड कर रहे हैं गॉस थ्योरम से। गॉस ने बड़ा आसान कहा था, कहा था भाई जो फ्लक्स है ना उसको ई ऑस एस से फाइंड मत करो, बल्कि क्या करो, 1/ε0 × Q कर दो। बस ये हो गया इक्वेशन 2। इक्वन 1 और 2 से देखेंगे, एंड 2 से देखो फाई ई है, ई 4πr² और इधर कितना है 1/ε0 Q। देखो ई की वैल्यू कितनी आ जा रही, 1/4πε0 Q/r². अब भी वही कहानी चल रही है जो पिछले बार चली। पिछले बार क्या कहा था कि जो स्फीयर है उसको एज ए कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट मान लो, तो फॉर्मूला सेम वही है। यहाँ पर भी वही बात है। देखो ये जो स्फीयर है ना, अभी भी क्या मानो, इसको पॉइंट ही मान लो, पॉइंट मान के करोगे तो भी वही फॉर्मूला आएगा। क्लियर है? अच्छा एक चीज़ और कर लेते हैं इसमें, जरा वो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी ले लेते हैं। वो क्या होता है भाई? सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, तो 4πr² यहाँ से क्यू क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू 4πr² ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं क्यू, तो ई आ जाएगा 1/4πr² क्यू की वैल्यू सिग्मा 4πr² / r². देखो सब कट जा रहा है क्या, ई क्या आया 4π से पाई कैंसिल, r² से r², ये आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक फॉर्मूला ये भी हमारे पास रहेगा कि अगर न्यूमेरिकल में दिया हुआ है सरफेस चार्ज डेंसिटी और पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो, तो बस यहाँ रखिए निकाल लीजिए। और अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा तो आप एक काम करिए, फिर आप इस फॉर्मूले में रखिए, यहाँ पाई की वैल्यू रखिए, आर रखिए, क्यू निकालिए, क्यू उठा के यहाँ ले जाइए तभी निकालिए। निकालने के दोनों तरीके हैं, आप चाहे डायरेक्ट यहाँ से निकाल लीजिए, या इससे यहाँ जाइए, इससे यहाँ जाइए। दिमाग में स्ट्रक्चर होना चाहिए मेरे पास कि मेरे पास ये रास्ते हैं, फिर वो भटकेगा नहीं। जैसे मुझे यहाँ से हज़रतगंज जाने के 5-6 रास्ते पता है, तो मैं भटकूंगा नहीं, इधर जाऊंगा जाम लगे उधर भाग जाऊंगा, उधर जाम लगे उधर बाइक मोड़ दूंगा। पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर फीड होना चाहिए, वैसे ही न्यूमेरिकल में स्ट्रक्चर फीड होना चाहिए, तो न्यूमेरिकल फटाफट लगते हैं। समझ में आ रही बात? उसमें ले सकते हैं, उसमें भी ले सकते हैं, तब उसमें ये दोनों आ रहे, उसमें भी कर सकते हैं, न्यूमेरिकल लगा करा के दिखा देंगे तुम्हें, उसमें भी ले सकते हैं। वो तो न्यूमेरिकल पे है, मतलब फॉर्मूला तो आप बना ही देंगे, यही तरीका उसमें भी तो है, यही तरीका तो है। जैसे ये फॉर्मूला आया था, अब वहाँ पर जब क्यू लोगे तो क्यू क्या है, सिग्मा क्या आएगा, क्यू अपॉन 4πr², क्योंकि स्फीयर यहाँ तक रहेगा। अब जब स्मॉल आर स्क्वायर रेखा कर रखो तो कटेगा, नहीं कटेगा, तो यहाँ स्मॉल आर स्क्वायर, यहाँ कैपिटल आर स्क्वायर आएगा, ऐसे करके आएगा। समझ गए? चलिए नोट कीजिए इसको। थर्ड के सामने है, व्हेन पॉइंट पी लाइज इनसाइड द स्फेरिकल शेल, तो पहले वही स्फेयर बना लेते हैं। चलो एक हमने बना दिया स्फेयर, स्फेयर बना के अंडा बन गया, चलो स्फेयर ही है, ठीक। पॉइंट ओ, इसका रेडियस कितना है भाई, कैपिटल आर यही लेते थे, है ना, समझिए बाद में नोट करना। अब क्या करना होता है, हमें किसी पॉइंट पी पर फाइंड करना। मान लो पॉइंट पी यहाँ है, तो पॉइंट पी पर ही क्या करते हैं हम लोग, अरे पॉइंट पी पर क्या करते हैं सबसे पहले, नहीं गॉसियन सरफेस बनाते हैं सबसे पहला काम। क्या क्या होता है, गॉसियन सरफेस, जिस पॉइंट पर पता करना हो उसी पर बनाओ क्या, गॉसियन सरफेस। बोलो भाई, हाँ क्लास में बोलेंगे नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। गॉसियन सरफेस ये कैसे बनाते हैं, अपने आप जिस पॉइंट पर पता करना हो वहीं पर गॉसियन सरफेस मान लो, मान लिए स्फीयर, तो इसका रेडियस कितना हम लेते हैं गॉसियन सरफेस वाले का, स्मॉल आर, है ना।
अच्छा चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये तो शेल पे है, स्फेरिकल शेल, चार्ज तो इसी पर है ना, मैंने बताया था। अच्छा तो इसकी वजह से क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ई ऊपर, ई इधर भी ई रहेगा, चारों तरफ अपना फैलाव रखेगा। पॉइंट पी पर क्या करना है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, वो भी अरे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता करना है। एक बात बताओ, चार्ज कहाँ है, बाहर वाले सरफेस पे है ना, क्या गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है, सोचो, नहीं है, तो यानी चार्ज इंक्लूज्ड बाई गॉसियन सरफेस क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो, क्लियर है एकदम। पिछली बार था गॉसियन सरफेस यहाँ था तो चार्ज अंदर आ गया था, पिछली बार गॉसियन सरफेस यहीं था तो चार्ज वहीं था, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई, समझिए फिर से एक बार, मैं कह रहा हूँ जो गॉसियन सरफेस है वो तो रेड वाला ये रहा, और चार्ज है बाहर है ये रहा बाहर, तो चार्ज इसकी वजह से जो अंदर है वो तो ज़ीरो है, सिंपल ही बात है, और कोई बात नहीं इसमें। गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज ज़ीरो है, पिछले बार गॉसियन सरफेस यहाँ लिया था तो चार्ज सब अंदर आ गए थे ना। चलो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट पॉइंट पी क्या होता है भाई, ई एस कॉस थीटा, तो फ्लक्स पता करना है सरफेस पर, क्या होगा ई फोर पाई आर स्क्वायर, यही हो गया फाई ई, सही है। दूसरा किस मेथड से पता करते हैं, जल्दी बोलो, अरे बोलो भाई, गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम लगाएंगे तो फाई ई वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू, सही है। एक बात बताओ, गॉसियन के पास कितना क्यू है, क्या लिखा, ज़ीरो, इसलिए यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी, ज़ीरो, बिकॉज क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो, हमने यहाँ लिख दिया था। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्यू यहाँ पर ज़ीरो रखोगे, इसमें इसके बराबर करोगे तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ई ज़ीरो आएगा, अरे भाई फ्लक्स ज़ीरो आ गया यहाँ रख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड ई ज़ीरो आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि चार्ज अगर इनक्लोज नहीं हुआ तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। इसका मतलब क्या हुआ, आप कार के अंदर बैठे हैं और चार्ज अगर बाहर बाहर है तो आपके ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, नहीं लगेगा, आपके अंदर चार्ज होना चाहिए, इसके अंदर चार्ज होना चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाहर की वजह से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाता, क्लियर। यानी इनसाइड द शेल, इनसाइड द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज़ीरो, इनसाइड द शेल स्फेरिकल शेल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज़ीरो। इसीलिए कहते हैं कि जब बिजली कड़क रही हो, ध्यान समझना, बिजली कड़क रही हो तो लगता है कि भाई बिजली मार देगी, कहते हैं ना बिजली मार देगी, तो कहाँ भागना चाहिए, कार के अंदर भाग जाओ, कोई किसी ऐसे मेटल के शेल में भाग जाओ जिसके अंदर चार्ज ही ना हो, ऊपर ऊपर चार्ज होगा अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो फोर्स नहीं होगा, अरे जंगल का शेर नहीं तो जंगल के शेर की हुकूमत कैसी, जब एफ नहीं तो उसका एनवायरनमेंट कैसा, ई नहीं तो उसका जंगल का एरिया ही नहीं, उसका हुकूमत नहीं तो उसका वो चैलेंज भी नहीं करेगा। इसीलिए कार में क्या होना चाहिए, पैर उठा करके सीट पर बैठ जाओ और जब तक बिजली कड़क रही हो बचे रहोगे, इसीलिए किसी शेल के अंदर होना चाहिए, मेटेलिक शेल में रहोगे तो पूरा बचे रहोगे एकदम, क्लियर, समझ में आ गया। चलिए नोट कीजिए, फिर न्यूमेरिकल करते हैं इस पर, थर्ड है, अच्छा वहाँ लिख देते भी थर्ड हम, आइए तो जो तीन केसेस हमने पढ़े हैं तीनों को एक साथ एक न्यूमेरिकल लगाते हैं, न्यूमेरिकल सामने है, समझिएगा, कह रहा है ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, तो है क्या कि एक स्फेरिकल कंडक्टर है, साथ ही साथ हम क्या करते हैं फिगर बनाते चलेंगे, तो ये रहा हमारा एक स्फेरिकल कंडक्टर और इसका जो रेडियस ये होता है कैपिटल आर, आर की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, हैज़ ए चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 7, यानी क्यू की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 7 कूलम,
डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स सरफेस, यानी इस सरफेस पर पूरी तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यही तो केस हमने पढ़ा है अभी। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड? अब इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है तीन जगह, एक पूछ रहा है इनसाइड द स्फीयर, दूसरा जस्ट आउटसाइड द स्फीयर एंड तीसरा एट ए पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तीनों को वन बाई वन सॉल्व करेंगे। सबसे पहला कह रहा है इनसाइड द स्फीयर, मतलब कोई पॉइंट पी यहाँ पर है, वहाँ पर बताइए। अब बताओ यहाँ पर पी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? ज़ीरो, कुछ कर नहीं करना। इनसाइड द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? ज़ीरो। अच्छा अगर यहाँ क्यू चार्ज रखा होता तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता? तब ज़ीरो नहीं होता भाई, तब तो इसके अंदर हो गया क्यू। इसके अंदर क्यू नहीं है, बाहर है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है ना। तो सॉल्यूशन में क्या आएगा? इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू हो गया ज़ीरो, ये पहला आंसर। ठीक है चलिए दूसरा देखते हैं। इसमें सेकंड कह रहा है जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, जस्ट आउटसाइड का मतलब समझते हो, शेल के ऊपर, आउटसाइड का मतलब बाहर नहीं, जस्ट आउटसाइड का उसने है ना, मतलब शेल पर ही कहा जाता है। तो यानी यहाँ पर ये पॉइंट पी लिया, जहाँ पॉइंट पी लेते हैं वहीं वो होता है क्या? गॉसियन सरफेस। अब बताओ यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस होगी वो तो अभी भी आर ही तो होगी। इसके लिए क्या फॉर्मूला आया था? इसके लिए फॉर्मूला आया था ई इज इक्वल टू 1/4 πε0 q/R2। बस फॉर्मूले में रख दीजिए 9 × 10⁻⁹ इंटू क्यू की वैल्यू 1.6 × 10⁻¹⁹ अपॉन आर। आर कितना है भाई? इसका रेडियस 12 सेंटीमीटर यानी 0.12 मीटर। मैं रख दूंगा 0.12 मीटर का स्क्वायर। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तीसरा समझिए, आपको करना है, समझिए तो ध्यान दीजिए। तीसरा कह रहा है एट ए पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर से 18 सेंटीमीटर और ये सेंटर का जो इसका जो रेडियस है 12 है, इसका मतलब बाहर चला गया। इसका मतलब क्या है? वो कहीं यहाँ है, मान लो यहाँ है, यहाँ है। तो क्या कर रहा हूँ भाई, यहाँ से हम एक रेड कलर से बना दे रहा हूँ गॉसियन सरफेस। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस अब यहाँ से यहाँ पूरी होगी वो क्या होगी? स्मॉल आर। और हमें इस पॉइंट पे पता करना है, पॉइंट पी ये रहा। तो इस पॉइंट पी के लिए जो फॉर्मूला बना था हमारा 1/4 πε0 q/, यहाँ क्या रहेगा? कैपिटल आर या स्मॉल आर? यही ध्यान देना है बस, जितनी दूरी होगी वो रख देना है। 9 × 10⁻⁹ 1.6 × 10⁻¹⁹ अपॉन 0.18 का स्क्वायर, स्मॉल आर की वैल्यू। सॉल्व करेंगे आंसर आएगा। अब देखो तुम्हारे लिए न्यूमेरिकल कितना आसान हो गया, क्योंकि तुमने डेरिवेशन समझ लिया। डेरिवेशन एग्ज़ाम में ना आए भले, लेकिन उसका यूज़ देखो कितना बड़ा है, तुम्हारे दिमाग में फीड हो जा रहा फौरन का। अंदर ज़ीरो है, सेल पर क्या होगा? शेल के ऊपर जस्ट, उसका रेडियस ले लीजिए। शेल के बाहर जो होगा वो पूरा रेडियस ले लीजिए, पूरी डिस्टेंस ले लीजिए, आ जाएगा। क्या चीज़? चार्ज ये जो दिया हुआ है, ये जो इसके ऊपर चार्ज है वही क्यू रहेगा। ये जो क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, हैज़ ए चार्ज ऑफ 1.6 × 10⁻¹ कूलम। अच्छा मैंने क्या लिया? सेवन। अब सही आएगा, वो तो मैंने इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिख दिया था गलती से, आदत पड़ी हुई ना, समझ गए। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर इसका आगे पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल और लगाएंगे इस पर।